लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर की गई कायरतापूर्ण हरकत पर देश में चीन के प्रति बढ़ता आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में भाजयुमो ने बिलासपुर शहर के चंपा पार्क में चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया तथा इस दौरान चीन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा व जिला मुख्य प्रवक्ता पवन ठाकुर ने चीन पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा ही भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि चीन को ये भूल जाना चाहिए कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है। मौजूदा समय भारत एक सशक्त राष्ट्र है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरहदों पर देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि देश की सरकार जहां डिप्लोमेसी तरीके से इस मामले में निपटने का प्रयास कर रही है, वहीं केंद्र सरकार ने सैनिकों को खुली छूट प्रदान कर दी है ताकि चीन के दुस्साहस का करारा जवाब सैनिक दे सकें। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को ये प्रण करना होगा कि वह चीन में निर्मित किसी भी सामान को अपने घर नहीं ले जाएगा। इसी प्रकार हम चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए देशवासियों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो इससे न केवल हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा चीन से आयात कम होने के कारण देश की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भाजयुमो सैनिकों का समर्थन करता है तथा देश के लोगों को भी अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश को एकजुट होकर सेना का साथ देना चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी एहतियाती देश भारत की संप्रभुता पर प्रहार करने का प्रयास न कर सके। ये आज का प्रदर्शन किया है एक प्रदेश की कॉल पर कुछ ही घंटों में इस कार्यक्रम को किया, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि भारतीय सेना का जिस तरह से चीनी सेना ने आक्रमण किया हमारे क्षेत्र के अंदर और जिस तरह से हमारे हमीरपुर से भी एक नौजवान की शहादत हुई है, उसके विरुद्ध जो रोष प्रकट किया है इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। और जिस तरह से ये जो आज का प्रदर्शन है, जिस तरह से चाइना के खिलाफ पूरे देश भर में जो गुस्सा है उसके प्रति, जो चाइना का व्यवहार है, व्यापार है उसके प्रति, जो चाइना के सामान भी आ रहे हैं